अस्सलाम वालेकुम। टेंसेस पार्ट 10 में आप लोगों का सबका वेलकम है। टेंसेस के पार्ट 10 में हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन लिखी है कि इस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए, यानी कि इम्कान देने के लिए दैट समथिंग विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, के कुछ कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा। ये इम्कान देने के लिए कि कोई भी काम मुस्तकबिल में होगा, इसके लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो काम फ्यूचर में चल रहा होगा, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि किसी भी टेंस के आप जुमले बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब दरकार होते हैं, तो वो ही आपके पास विल बी और शैल बी लिखा हुआ है। शैल को क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में क्लियर कर दिया था कि शैल को खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आप शैल को आई और वी के साथ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जबकि विल आपके पास सबके साथ इस्तेमाल हो सकता है। फॉर्म ऑफ वर्ब आपके पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जितने भी आपके पास कंटिन्यूस टेंसेज होती हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज, इन सब में आपके पास टोटल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है, फार्मूला देखते हैं कोई भी सिंपल सेंटेंस बनाने का। कोई भी सब्जेक्ट हमने लगा लिया ई, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल बी है, प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और ऑब्जेक्ट लगा लिया दे विल बी कुकिंग फूड। कोई और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं किसी भी वर्ब के साथ, जैसे कि दे विल बी पेंटिंग द रूम। ठीक है, दे विल बी पेंटिंग द रूम, ये आपके पास विल बी इसके हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, पेंटिंग आपका मेन वर्ब हुआ और द रूम आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह नेगेटिव का फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस विल और प्लस नॉट। ठीक है, विल नॉट को हम एक साथ वॉन्ट भी कह सकते हैं, वॉन्ट हम इसको पढ़ते हैं, इट इज कंट्रैक्टेड फॉर्म। ठीक है, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखें, दे विल नॉट बी कुकिंग फूड। ठीक है, दे वॉन्ट बी कुकिंग फूड भी कह सकते हैं। इसी तरह इंटरोगेटिव का हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में लगाएंगे, जैसे कि विल को हमने लगा लिया है। विल ई बी प्लेइंग क्रिकेट, विल दे बी कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रहे होंगे, क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, दोनों सेंटेंसेस आपके पास है। बेसिकली उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में आप रहे होंगे। ठीक है, रहे होंगे, रहा होगा, ठीक है, रही होगी वगैरह, अगर उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में आ जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस या टेंस कहेंगे। कि आइडेंटिफिकेशन ये हमारे पास लिखी हुई है, ये आइडेंटिफिकेशन इसकी मैंने यहाँ पे लिख के दे दी आपको, को देख लेते हैं। फॉर्मल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ड शुरू में लगा, सबसे पहले विल है, फिर सब्जेक्ट आपका पेन नॉट, फिर बी गोइंग टू बाजार। ठीक है, और इनफॉर्मल में आपको विल नॉट को शुरू में लगाना है। तो विल ई नॉट बी गोइंग टू बाजार, क्या वो बाजार नहीं जा रहा, क्या नहीं वो बाजार जा रहा, तो क्या नहीं या दोनों आया या क्या वो नहीं, तो ये फॉर्मल इसको बनाती है। ये आपके पास फॉर्मल है और ये आपके पास इनफॉर्मल है। इसके इस्तेमाल को देखते हैं। इस्तेमाल में आप ये देखें, व्हाट विल आई बी डूइंग इन फ्यूचर, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे, तो फिर आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि व्हेन आई विल बी अ टीचर, जब मैं टीचर हूंगा, आई विल बी ट्राइंग टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, मैं स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ। आई विल ऑल्सो बी टॉलरेटिंग स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को बर्दाश्त भी कर रहा हूँ। आई विल बी प्रिपेयरिंग माई सेल्फ एट होम, मैं अपने आप को घर में तैयार भी कर रहा हूँ, यानी कि तैयारी कर रहा हूँ। एंड देन विल बी गोइंग टू स्कूल, और फिर स्कूल भी जा रहा हूँ। आई विल बी रिसीविंग माई मंथली सैलरी, मुझे मंथली सैलरी भी मिल रही होगी, मैं रिसीव कर रहा हूँ। एंड विल बी स्पेंडिंग इट अकॉर्डिंगली, और इसको अपने अखराजात के मुताबिक खर्च भी कर रहा हूँ। द गवर्नमेंट विल बी गिविंग मी प्रमोशन, हुकूमत मुझे प्रमोशन भी दे रही होगी। एंड विल आल्सो बी मेकिंग ईयरली इंक्रीमेंट टू आवर सैलरीज, हमारे मैं खुश भी हूँ और सालाना तो बढ़ा भी रही होगी। आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा टेंसेस पार्ट 11।